नमस्ते दोस्तों, फिश ऑयल एक बहुत ही यूजफुल और कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला हेल्थ सप्लीमेंट है और इसी वजह से इसके बारे में लगातार कमेंट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों से ये बात ध्यान में आती है कि फिश ऑयल के बारे में लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। और हाँ, बहुत सारे दोस्तों की खास रिक्वेस्ट थी कि Neuherbs के डीप सी फिश ऑयल के बारे में भी बताया जाए, तो मैं उस बारे में भी जरूर जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे, क्योंकि यदि आप फिश ऑयल ले रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है। तो दोस्तों, फिश ऑयल को ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। वैसे फिश ऑयल में विटामिन ई और डी भी मौजूद होता है। फिश ऑयल से मिलने वाला ओमेगा 3 अपने शरीर के लिए प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3 से ज्यादा फायदेमंद होता है और ये प्लांट ओमेगा 3 से बहुत ही जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए ये ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों की। तो सबसे कॉमन सवाल होता है कि क्या फिश ऑयल लेने से मेरा वजन बढ़ेगा? तो इस सवाल का आसान जवाब है कि नहीं, फिश ऑयल से डायरेक्ट वेट गेन नहीं होता। उल्टा, आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज के साथ इसे ले तो आपको अपना वजन कम करने में फिश ऑयल बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज और हार्ट डिजीज में इसे ले सकते हैं? तो हाँ, आप इसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज में जरूर ले सकते हैं। डीप सी फिश ऑयल से HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो अपने दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से डायबिटीज वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। फिटनेस कॉन्शियस दोस्तों की तरफ से हमेशा पूछा जाता है कि मैं जिम कर रहा हूं तो क्या मैं फिश ऑयल ले सकता हूं? तो हाँ, जरूर आप फिश ऑयल ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। फिश ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जिससे मसल का सोरनेस कम हो जाता है और मसल की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। इससे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपका एक्सरसाइज टाइम बढ़ सकता है, इसीलिए जिम जाने वालों के लिए फिश ऑयल हमेशा रिकमेंडेड किया जाता है। इसके साथ साथ ही फिश ऑयल आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी तकलीफें हैं, उनके लिए भी फिश ऑयल बहुत हेल्पफुल होता है। क्या स्किन और हेयर केयर के लिए फिश ऑयल ले सकते हैं? और ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि स्किन काफी ड्राई टाइप की है तो फिश ऑयल जरूर फायदेमंद होता है, लेकिन ऑयली स्किन में इसे ना ही लिया जाए तो फिर बहुत अच्छा है। ड्राइनेस की वजह से होने वाले हेयर फॉल में फिश ऑयल काफी फायदा देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं Neuherbs के डीप सी फिश ऑयल। तो जैसे आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि Neuherbs फिश ऑयल डीप सी यानी गहरे ठंडे पानी की सार्डिन मछलियों से क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक्सट्रैक्टेड किया हुआ ऑयल है। क्वालिटी के हिसाब से देखें तो डीप सी सार्डिन मछलियों की फिश ऑयल की क्वालिटी नॉर्मल मछलियों की फिश ऑयल की क्वालिटी से काफी अच्छी आती है और ये ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। ये एक हाई स्ट्रेंथ फॉर्मूला है जिसमें 1486 मिलीग्राम ओमेगा 3 के साथ साथ 892 मिलीग्राम EPA और 594 मिलीग्राम DHA मौजूद है। ये सप्लीमेंट बेहतर त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए 10 मिलीग्राम विटामिन ई, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस के 100% है, और विटामिन D3 200 IU रिकमेंडेड डेली अलाउंस के 50% ये प्रोवाइड करता है। ये फिश ऑयल कैप्सूल पूरी तरह से प्योर और सुरक्षित है, जिससे हैवी मेटल, कोलेस्ट्रॉल, प्रिजर्वेटिव, शुगर, सोडियम और ग्लूटीन से फ्री होने के लिए टेस्ट किया गया है। फिश ऑयल लेते वक्त इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इससे आने वाली मछलियों की स्मेल की डकार। तो उन डकारों और स्मेल से बचने के लिए इसे लेमन फ्लेवर का बनाया गया हुआ है, जिससे आपको इससे डकारें नहीं आएंगी और फिश ऑयल का एब्सॉर्प्शन भी जल्दी बढ़ जाएगा। इसमें नींबू के एक्स्ट्रा के अलावा और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर सब्सटेंस नहीं मिलाया गया हुआ है। इसकी एक बहुत ही खास बात है कि इसके पैक पे ही आपको इनके एक्सपर्ट का नंबर मिल जाता है।
आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी या सवाल है तो आप इस नंबर पे फोन करें तो आपकी पूरी हेल्प हो जाती है। अब बात करते हैं डोसेज की, तो इसका एक कैप्सूल आपको सुबह और शाम को कुछ खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। तो दोस्तों ये था फिश ऑयल पे पूछे जाने वाले कॉमन सवाल और Neuherbs के डीप फिश ऑयल का इंफॉर्मेशन। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस बारे में जरूर पूछ सकते हैं। Neuherbs के डीप सी फिश ऑयल से रिलेटेड और भी जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक को जरूर चेक करें जिसमें से आपको इसका डिस्काउंटेड प्राइस और मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।